नमस्कार, मैं ओम जी स्वागत करता हूं आपका विवेकानंद पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल बीपीएस गसिंगपुर में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे राज्य राजस्थान के एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का। तो 30 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान 19 रियासतों, 3 ठिकानों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में विभक्त था। 3 ठिकाने कुशलगढ़, नीमराणा और लावा थे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। आइए अब हम विस्तार पूर्वक प्रत्येक चरण पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है, इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। उस समय जो रियासतें थी इसमें शामिल की गई थी, उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्रमुख रूप से थी और नीमराणा जो एक ठिकाना था इसको भी मत्स्य संघ में शामिल किया गया। इस समय प्रधानमंत्री यानी कि जिसे आजकल हम मुख्यमंत्री कहते हैं, पहले इसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो शुभाराम कुमावत को बनाया गया और इस संघ के जो राज प्रमुख थे, जिसे वर्तमान में राज्यपाल नाम दिया गया है, तो इसके जो राज प्रमुख थे वो उदय भान सिंह को बनाया गया जो कि धौलपुर से थे। इस यानी कि मत्स्य संघ का जो विधिवत उद्घाटन है वो उस समय के केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया था। इस संघ का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी के द्वारा रखा गया था। तो यह है राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। इसकी जो राजधानी है वो अलवर को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण है, जिसे हम पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान के गठन की जो तारीख है वो 25 मार्च 1948 है। इसके तहत 9 रियासतों और 2 ठिकानों को इसमें शामिल किया गया था। 9 रियासतें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर, ये 9 रियासतें थी और जो 2 ठिकाने थे उसमें कुशलगढ़ और लावा शामिल थे। तो इसका जो प्रधानमंत्री था वो गोकुलाल असावा को बनाया गया और जो इसके राज प्रमुख थे वो भीम सिंह को बनाया गया जो कि कोटा के थे। और इस संघ का भी जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया। राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण पूर्ण हुए। तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। इसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। इसमें सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, जो इसे उस समय उदयपुर के नाम से जानते थे, इसे संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। इसके जो प्रधानमंत्री थे माणिकलाल वर्मा को बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर के शासक थे, उन्हें बनाया गया। और इस यानी कि राजस्थान संघ का जो उद्घाटन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ये राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण था। चतुर्थ चरण, जिसे नाम दिया गया बृहत राजस्थान, बृहत यानी कि बड़ा, यानी कि राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो जोधपुर थी। इसके साथ साथ यानी कि बृहत राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को शामिल किया गया। यह सभी कार्य 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे को बनाया गया। राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह द्वितीय थे, ये भी जयपुर के थे, इन्हें बनाया गया। और इस संघ यानी के बृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। बृहत राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च को किया गया। इसी दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। इसी कारण से ही 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उस समय जयपुर को राजधानी घोषित किया गया, जोधपुर को राज्य का उच्च न्यायालय दिया गया, बीकानेर में राज्य भू अभिलेखागार दिया गया। तो यानी कि राजस्थान के एकीकरण का जो लगभग 99% जो काम है वो 30 मार्च को पूर्ण हो गया था 1949 को। तो इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब है पांचवा चरण, जिसे संयुक्त बृहत्तर राजस्थान नाम दिया गया है। इसके तहत यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर
और जैसलमेर के साथ मत्स्य संघ यानी कि अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मिला दिया गया। कहने का अर्थ हो गया पांचवा चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया। ये पांचवा चरण पूर्ण हुआ। अब है छठा चरण जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसके गठन की तारीख 26 जनवरी 1950 जिस दिन संपूर्ण देश में हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन की बात है। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। इसके तहत सिरोही रियासत को राजस्थान में मिलाया गया यानी कि सबसे अंत में राजस्थान में शामिल होने वाली रियासत कौन सी बनी? सिरोही बनी। लेकिन आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया गया क्योंकि आबू व देलवाड़ा के संबंध में किदवंती है कि आबू व देलवाड़ा पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात के काठियावाड़ से संबंध रखते थे उनकी इच्छा शक्ति थी कि आबू व देलवाड़ा को गुजरात में शामिल किया जाए ताकि पर्यटन की दृष्टि से उनका महत्व बना रहे। लेकिन राजस्थान के लोग या सिरोही के लोग आबू व देलवाड़ा के विलय भी राजस्थान में करवाना चाहते थे। इस कारण ये राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद में सप्तम चरण है वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा जो उस समय का केंद्र शासित प्रदेश था इसे राजस्थान में मिलाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का गांव है सुनेल टप्पा इसे राजस्थान में शामिल किया गया। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज गांव मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसके एकीकरण का जो समय है यानी कि 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक का जो समय है वह है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन यानी कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7। एक बार फिर हम इसका थोड़ा सा दोहराव कर लेते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस या फिर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है लेकिन राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही चार बड़ी रियासतें जयपुर जोधपुर बीकानेर को जैसलमेर को राजस्थान में शामिल किया गया था इसीलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को। लेकिन इसका एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। तो इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को बन गया। अब थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर ध्यान दे लेते हैं। राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा ये क्वेश्चन लिखना है आपने। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है यह क्वेश्चन लिखना है आपने। इसके साथ साथ प्रथम चरण का नाम अंतिम चरण का नाम 30 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें कितने ठिकाने वे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे ये आपने लिखना है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। इसे 7 संभाग 33 जिले और 34 नगर परिषद में बांटा गया है। वर्तमान में इसकी राजधानी जयपुर है। इसका जो उच्च न्यायालय है वह जोधपुर में स्थित है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।